आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर सर्च करना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी सर्च करने के बाद आपको एक ऐप आएगा जिसका इंटरफेस ऐसा होगा। इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जो मैं पहले से ही डाउनलोड किया हूँ तो इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको भी ओपन कर लेना है और कुछ समय का टाइम लगेगा और आपको यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे दिखाई देगा अपलोड इमेज। सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा चूज इमेज फॉर्म। तो आपको गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी का सब फ़ोटो चला आएगा। तो आपको कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लेना है, जैसे कि मैं फ़ोटो चूज कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप फ़ोटो चूज करेंगे तो आपको कुछ ही सेकेंडों का समय लगेगा और अपने आप ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और बैकग्राउंड में दूसरा फ़ोटो तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शन आएगा। पहला होगा ब्लर और दूसरा होगा उसके बैकग्राउंड में आप कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं और तीसरा होगा कलर। तो जैसे आप कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर आप बैकग्राउंड में आएगा। अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो सिंपली फोटोज पे यहाँ पे दो नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा फोटोज, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में फ़ोटो लग जाएगा। और इसको ब्लर करना चाहें तो आप ब्लर भी कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर डाउनलोड करना है तो आप सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा शेयर इमेज डाउनलोड इमेज। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर डाउनलोड कर लेना है। और मेरा जो फ़ोटो था उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैं एक और वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको ये जानकारी होगी कि आप गूगल से कैसे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।